ये देखिए गाइस, मैंने पीस लिया है इसका सभी मसाला और तेल भी मैंने गरम कर दिया। ये मसाले में इसमें जोड़ दिया। आपके पास अगर मक्खन है तो आप मक्खन जोड़ सकते हैं, क्योंकि मक्खन से इसका और भी टेस्ट बढ़ जाता है। आज फ्राइडे है और मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी मंगाने का, तो मैंने रिफाइंड तेल में गिर दिया है। आप इसमें चाहो तो देसी घी में भी बना सकते हो। देसी घी मेरे है, लेकिन मेरा छोटा बेटा एक है जो बिल्कुल पसंद नहीं करता है घी में, इस वजह से मैं देसी घी में भी इसको नहीं बना सकती थी। चलिए अब इसको हम पका लेंगे। जो भी मेरा जार में लगा है इसमें भी हल्का सा पानी गिर के हम पका लेते हैं। ये देखिए, अब मैं शाही पनीर का मसाला इसमें गिर दूँगी। ये मेरा आधा किलो है तो मैं उसी हिसाब से इसमें मसाला गिर दूँगी। और इसकी ग्रेवी अच्छे से हम पका लेंगे। इसमें भी मसाला नमक होता है तो आप नमक अपने हिसाब से ले रहे हैं। ये देख लें, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी हम अभी गिर देंगे। और इसको पका लेंगे।